सभी साथियों को हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान, जय किसान। साथियों, हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश, जो हिंदुस्तान का एक तरीके से राजनीतिक तौर पे दिल कहा जाता है। ये वही मुजफ्फरनगर की धरती है जहां 2013 में बीजेपी आरएसएस की साजिश सफल हो गई थी और हिंदू एवं मुसलमान को बांट के यहां पे दंगे कराए गए थे, और उन्हीं दंगों के बाद से बीजेपी आरएसएस के अच्छे दिन और देश के किसानों के, जवानों के व नौजवानों के बुरे दिन की शुरुआत हुई थी। कल यानी 5 सितंबर 2021 को जब संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले यहाँ ऐतिहासिक किसान महापंचायत होगी, अभी से यहाँ पे जितने भी ग्राउंड हैं वो सारे पार्किंग का ग्राउंड हो या फिर ये रैली स्थल का ग्राउंड हो, ये सभी छोटे पड़ गए हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं, उसके बावजूद सारी व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कोने कोने से 20 लाख से भी ऊपर किसान यहाँ पे पहुँचने का अनुमान है। कई लाख किसान तो यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच गए हैं। तो कल यहाँ पे देश का किसान, कश्मीर से कन्याकुमारी का किसान, असम से गुजरात का किसान ये संकल्प लेगा कि सबसे पहले ना हम हिंदू हैं, ना हम सिख हैं, ना हम ईसाई हैं, ना हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हम देश के जवान, नौजवान और किसान हैं। जब ये संकल्प लिया जाएगा कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठ के अपने मुद्दों के ऊपर हम लड़ाई लड़ेंगे और कामयाब भी होंगे, तीनों काले कानून रद्द कराए जाएंगे, MSP पे गारंटी कानून बनाया जाएगा, तो कल ये इसी मुजफ्फरनगर की धरती से यह ऐलान होगा कि अब पूरे देश का किसान, जवान, नौजवान एकजुट हो गया है और कल की पंचायत, कल की महापंचायत बीजेपी आरएसएस के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी और कल की पंचायत से ही देश के किसानों के, जवानों के व नौजवानों के फिर से अच्छे दिन की शुरुआत होगी और बीजेपी आरएसएस के बुरे दिन की शुरुआत कल से ही होगी। जितने भी रास्ते हैं अभी ऑलरेडी वो जाम हो चुके हैं, ट्रैक्टरों पे, गाड़ियों में, कैंटर में, ट्रक पे, हर जगह से, हर तरीके से जो भी साधन उनको मिल रहा है किसान आ रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मुजफ्फरनगर जिले के सभी गाँवों का, सभी किसानों का, कि उन्होंने अपना दिल खोल के सभी किसानों के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट किया है। अपने गाँव, अपने घर के दरवाजे उन्होंने खोल दिए हैं, खाने का भी बंदोबस्त किया गया है, रहने सहने का भी बंदोबस्त किया गया है। तो इस किसान आंदोलन ने जो हमारी एकता की जो मिसाल पेश की है, ये इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी आंदोलन में उन्हीं मंचों के ऊपर छोटू राम जी की जयंती मनाई गई, गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाई गई, इन्हीं मंचों के ऊपर अंबेडकर साहब जी की जयंती मनाई गई, इन्हीं मंचों के ऊपर रमजान के दौरान हमारे मुसलमान भाइयों ने अपना रोजा खोला। तो जो एक हमारे क्रांतिकारियों का सपना था कि सभी लोग एकजुट हो जाएं, सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो, उसकी शुरुआत इस किसान आंदोलन ने की है और क्रांतिकारियों के सपनों का भारत हम बना के रहेंगे। जय जवान, जय किसान, किसान एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज आप खड़े हाँ मुजफ्फरनगर उस ग्राउंड के जिते कल महापंचायत होनी है, और तुसी वेखो इस वेले का नज़ारा कि रात के समय इतने बेअंत भीड़ आ चुकी है, बेअंत लोग आ चुके ने। मैं समझदा कि कल इतने कई लाख की तादाद किसान पहुँचे, वो पंजाब तो, यूपी तो, उत्तराखंड तो, हरियाणे तो, राजस्थान तो आ ही रहे हैं, पर साढ़े कोल हुण तिकर जिहड़े साथी केरला तो, तमिलनाडु तो भी इत्थे पहुँच चुके ने। मैं समझदा कि कल 22 स्टेटा तो पूरे भारत के विचों इत्थे लोग पहुँचणगे और ये इतिहासक जिहड़ी इतिहासक रैली होएगी कल, और इतिहास दर्ज होगा ये जिहड़ा सुनहरी पन्नियां दे विच लिखिया जाएगा कि जिहड़ा नरेंद्र मोदी है उन्हें काले कानून जिहड़े लियांदे सन उहदे विरोध दे विच, जिहड़ा 56 इंच की छाती वाला है, जिहड़ा कहिंदा कि मेरे को बहुत बहुमत है और वह मोदी है तो मुमकिन है वाला, जिहड़ा उहदे अंगेस्ट, उहदे दित्ते हुए काले कानूनां दे गुस्से दे विच अज जिहड़ा किसान इत्थे एकजुट होया, ये भारत दे पूरे दा देश दा किसान इत्थे एकमुट हो के अज ये दसूगा BJP नूं कि तुहाडी इस घमंडी सरकार दे, घमंडी पार्टी दे जड़ तों पट के सिर देणगे किसान। जे तुसीं किसानां दी गल ना मन्नी, तिन्नों खेती कानून ना रद्द कीते, तां ये तुहाडे लई आउण वाला समा जिहड़ा उह सुखामा नहीं होएगा, ये तुहानूं जड़ तों पुट के सिर देणगे। जिहदी यूपी दे विच मिशन जिहड़ा यूपी और उत्तराखंड, क्योंकि पंजाब दे विच पहलां तों ही जिहड़ा हैगा BJP पैर नहीं ला सकती जमीन पर, बिल्कुल उत्थे इन्हां नूं भजाया जा रहा, और हरियाणे च भी ये पैर नहीं ला सकते। पर जिहड़ा हुण यूपी और उत्तराखंड, क्योंकि इलैक्शन पंजाब और यूपी और उत्तराखंड कोई 5 स्टेटां च हो रही है, उहदे विच जिहड़ा नरेंद्र मोदी की कुर्सी नूं रस्ता जांदा, यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी नूं रस्ता जांदा, वह यूपी होकर जाता, क्योंकि बड़ी स्टेट है और इतों लगभग 80 सीटां जिहड़ियां MP दीआं चुणदे ने, ते फिर
जिहड़ा प्रधानमंत्री आ कुर्सी ते बहिंदा है ते इह तय करदी है यूपी विच किहने प्रधानमंत्री ने बहिणा है। सो मैं ये गल जी कहांगा कि बिल्कुल एक क्लीयर कट कल संदेश बीजेपी दे देंगे कि हुण जिहड़ा बीजेपी का बिल्कुल बीजेपी जड़ तो पुट के सुट देंगे ये किसान। अज तुसी वेख लो कि आ जिहड़ी स्टेज है ये स्टेज लग चुकी है, ये वो स्टेज है जिहड़ी इतिहासक स्टेज बन जा रही है, हिस्टरी दे विच दर्ज होण जा रही है। ये मुजफ्फरनगर की जिहड़ी किसान मोर्चे वालों स्टेज है ये लग गई है और इस तरीके नाल साडे मीडिया कर्मियों वास्ते टेबल लग चुके ने। इस तरीके तुहानू मैं दसना चाहांगा ये पंडाल वड्डा आ इधर पंडाल भी पिछे नूं विखायो, ये प्रेस वाले मीडिया वास्ते है, ये सारा पंडाल लग चुके हैं और जिहड़े कुछ आगू होर आने ने आगुआ वास्ते इधर स्पैशल कुर्सियां लाइया गई ने कि वह कुर्सियां बैठणगे, प्रेस वाले वीर भी बहणगे वाधू जिहड़े आउणगे। सो ये पूरियां तैयारियां जिहड़ियां इहदियां मुकम्मल कर लईआं साडे वीरां ने जिन्हां दी ड्यूटी लगी हुई सी वह फुल तैयारियां च ने। और ये मैं दसदा कि आ जिहड़ी स्टेज है ये बिल्कुल तुहानू मैं विखाउणा चाहुंदा कि यह जिहड़ी स्टेज है इतिहासक स्टेज होण जा रही कल ये, और ये बीजेपी दियां और बीजेपी दियां जिथे जिथे सरकारां ने उहदी जड़ पुट के सिड़ देणगे ये स्टेज तो कल नूं जिहड़े बुलारे बोलणगे। और मैं ये दसना चाहुंदा कि इत्थे इकट्ठ जिहड़ा है वह 8 तो 10 लाख का होएगा, ये ग्राउंड च समा नहीं पाएगा। जो सानू जापदा कि सड़कां भी सारियां ब्लॉक होणगियां, इन्ना वड्डा इकट्ठ होण जा रहा इतिहासक इकट्ठ होण जा रहा। सो हुण बीजेपी नूं ये चाहिए कि ये तीनों कानून रद्द करे और किसानों नूं वापस खुशहाली नाल उन्होंने घर भेजे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।